आज यूपी टेट 2019 की परीक्षा चल रही है, जिसमें 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। दो पालियों में इम्तिहान हो रहा है। प्रदेश भर के जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 1986 केंद्र बनाए गए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1063 केंद्र बनाए गए हैं। और इस बार एक परीक्षार्थी दो दो आवेदन नहीं कर सकेगा। 22 दिसंबर को यूपी टेट 2019 की परीक्षा होनी थी, लेकिन CAA पर हिंसक प्रदर्शन के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो दो पालियों में ये इम्तिहान होगा। प्रदेश भर में जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 1986 केंद्र बने हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1063 केंद्र इस बार बनाए गए हैं। और इस बार एक परीक्षार्थी दो दो आवेदन नहीं कर सका है। तो 22 दिसंबर को यूपी टेट 2019 की परीक्षा होनी थी, लेकिन हिंसक प्रदर्शन के चलते इन परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और आज ये परीक्षा चल रही है। तो प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 1986 केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1063 केंद्र। और लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच दे रहे हैं। और अभी ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं यूपी टेट 2019 की परीक्षा पर। तो 16 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। दो पालियों में ये इम्तिहान होगा। तो यूपी टेट परीक्षा ग्राफिक्स के जरिए आप समझा रहे हैं। प्रदेश भर के जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 1986 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1063 केंद्र बने हैं। तो इस बार एक परीक्षार्थी दो दो आवेदन नहीं कर सका है। तो यूपी टेट परीक्षा को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 22 दिसंबर को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन CAA पर हिंसक प्रदर्शन के चलते ये परीक्षा रद्द हो गई थी और आज ये परीक्षा हो रही है।